हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कस फिश एक्वाकेन। और आज हम लोग किचन में हैं और जैसे कि आप इंग्रेडिएंट्स और थंबनेल लेके पहचान ही गए होंगे कि आज हम लोग हार्ट मिक्स बना रहे हैं फॉर डिस्कस। तो ये सब हम कम अमाउंट में बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक ही टैंक है, तो उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे। और दोस्तों, हम सबसे कम इन्ग्रीडियंट्स यूज़ करने वाले हैं क्योंकि इनफ है, जैसे कि स्पैरुलिना, हार्ट फ्लेक्स और ये पैरेट फूड, कैरेट और गार्लिक, ये सब इंग्रेडिएंट के साथ हम आज का फूड बनाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद दैट प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि पहले क्या करना है फिर और कैसे करना है, तो देखते रहिए। तो सबसे पहले हम हार्ट को बॉईल कर लेंगे। एक्चुअली हार्ट जो है बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो बॉइल करने के बाद वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा पानी लेके इसमें हार्ट को डिप करके उसको पहले बॉइल कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, हार्ट को हमने गैस पे रख दिया है बॉइल करने के लिए। और जब ये हल्का बॉइल हो जाएगा तो फिर हम इसमें से एक्सेस फैट को निकाल देंगे। जो भी ऊपर जो हमें फैट दिख रहा है वो हमें नहीं लेना है, वो हमें निकाल के फेंकना है, ओनली हार्ट लेना है, क्योंकि उससे फिश का डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो ध्यान रखिए कि हमको फैट नहीं यूज़ करना है, ओनली प्योर हार्ट मिक्स हार्ट यूज़ करना है। और एक बार आप देख सकते हैं कि ये सारे प्रोडक्ट्स हम यूज़ करने वाले हैं मिक्स करने के लिए। और आपको चाहिए एक ग्राइंडर, अच्छा सा ग्राइंडर, सबको एक साथ मिक्स करने के लिए। सो जैसे कि आप देख सकते हैं अब ये बॉईल हो चुका है, अब हम इसको चॉप करेंगे और इसमें से फैट अलग करेंगे। उसके बाद आगे का प्रोसीजर आपको दिखाया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से ये बॉईल हो चुका है। जो भी इसको हम लोग ने 5 मिनट्स तक के गैस पर रखा था ओनली, अब हम इसको चॉप करेंगे। तो अब हम इसमें से एक्स्ट्रा फैट है वो निकाल देंगे। ये सब वेस्ट को हम फेंकेंगे, इसको हम यूज़ में लेंगे। और ये हमारा मिक्सर जार है, इसमें हम इसको ग्राइंड करेंगे, ये सारे इसमें ऐड कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे फ्लेक्स आर्टेमिया, हम इसमें ऐड करेंगे टेट्राबिट जो हम रेगुलर हमारे फिश को फीड करते हैं, ये भी इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम कैरेट चॉप करके। अवेलेबल उसी से काम चला। उसके बाद है ये स्पिरुलिना पाउडर ऑर्गेनिक, इसके अंदर भी ज़रूरी तत्व है। आप पीछे इसके इंग्रेडिएंट्स में देख सकते हैं, इसके अंदर तो इसके भी 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे।
वो है गार्लिक। गार्लिक यूज करेंगे, ये इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। गार्लिक जब लोग फिश को फीड करते हैं तो इंटरनल पैरासाइट उसमें नहीं होता है, कोई भी इंटरनल पैरासाइट का खतरा नहीं होता है। और जैसे कि हम हार्ट अगर फीड कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें बैक्टीरिया खतरा बढ़ जाता है, तो इसके लिए साथ ही साथ हम इसमें क्या गार्लिक ऐड करते हैं। गार्लिक से उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा रहेगा, इजीली वो लोग डाइजेस्ट कर पाएंगे, इससे हमारे फिश को प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर दिए हैं, अब हम इसको ग्राइंड करेंगे मिक्सर में, मिक्सी। अब हम इसको ज़िपलॉक बैग में डालकर फ्रिज में स्टोर करेंगे। तो ये हमारा पैक है, इसमें हम इस बैग को फ्रिज में स्टोर कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।